अबे कटले, जमाल भाई आ रहे हैं, पी जाएंगे। कट 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 कट। इधर आओ। अरे इधर आओ, तुम लोग कहाँ गए हो यार? इलेक्शन सर पर है और तुम लोग आते ही नहीं हो। अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे हाशिम भाई। अरे भाई आया करो, हाजिरी लगाया करो, हमें तुम जैसे मुखलिस लोगों की बहुत जरूरत है। पता है भाई, आने का तो बड़ा दिल करता है, अब्बा दुकान से छोड़ते ही नहीं है, लेकिन एक वादा है भाई, वोट हाशिम भाई को देंगे। क्यों? पक्का? अबे सारा सारा दिन तो तुम लोग फारिग फिरते रहते हो, आया करो, काम करो। हाशिम भाई अगर जीत गए तो अपने इलाके का ही फायदा होगा ना यार। अरे जुबेर भाई, आपको तो मालूम है मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इलाज चल रहा है मेरा, अम्मी गली से बाहर नहीं जाने देती, यकीन करें वरना तो मैं जरूर आता। हाँ क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा वोट देने तो जरूर आओगे ना? अरे हाँ हाँ जमाल भाई, क्यों नहीं, हम तो आपको जानते हैं ना, हम तो आपके मुंह पे वोट देंगे उन्हें, बिल्कुल देंगे। क्यों भाई, देगा ना? हाँ हाँ। और मेरा वादा है, एक मरतबा हाशिम भाई जीत गए तो मैं तुम लोगों का पानी का मसला हल करा दूंगा और गलियां भी पक्की करवा दूंगा, समझे? अभी तुम लोग निकलो, ठीक है? और कल जनरल जास में आना नहीं भूलना। निकलो निकलो, याद से आना। अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे याद से आना। अबे अबे हाशिम भाई, अबे अबे हाशिम भाई। अच्छा जमाल भाई मैं भी चलता हूँ। चल ठीक है यार, तू भी निकल, रात का थका हुआ, तू आराम कर। निकल फटाफट, निकल फटाफट। अच्छा जमाल भाई कल का क्या प्रोग्राम है? यार कल का तो कल जल्दी आ जाइयो, बंदे जमा करने, थाने का घेराव करने। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँ। अरे नन्हे भाई आपने बड़ी फिक्र की, अरे कल ही छुट्टी की दरख्वास्त देकर आया हूँ ऑफिस में। जी जी, अरे इस दफा ऐसी इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह, पीर को पहली कॉर्नर मीटिंग रखी है ब्लॉक 17 में। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, आपको ऐसी तकरीर याद कराऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है चलो, ठीक, ओके अल्लाह। मेरे लिए तो कभी आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और अपनी सियासत के लिए छुट्टी की दरख्वास्त भी दे दी। इलेक्शन जीतने के लिए टाइम देना पड़ता है, जान माननी पड़ती है, घर बैठकर इलेक्शन नहीं जीता जाता, समझ में आ रही है? ये तुमने हाथ पे काली पट्टी क्यों बांध रखी है? अरे क्या बताऊं भाभी, कारकुनों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए सिया पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे थे हम थाने के आगे। छोड़ा तो फिर भी नहीं होगा। कैसे नहीं छोड़ेगी पुलिस, और वैसे भी सुबह तक नहीं छोड़ा ना तो पूरे थाने का घेराव करेंगे हम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हें ही घेर ले। अरे छुड़ाने तक नहीं आई है तुम्हारे लीडर? अब ऐसा नहीं है, हमारा लीडर जान छिड़कता अपने कारकुनों पे जान, समझे? तुम्हारे लीडर की तरह नहीं है, चार चार शादियां करके बैठा हुआ है। अवाम की क्या खाक खिदमत करेगा वो अंगूठा छाप। तो तुम्हारे लीडर ने कौन सी PhD की हुई है? अरे नीरा जाहिल है वो, इंटर की डिग्री भी जाली होगी उसकी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाए भाई, अब आपके लीडर की जमानत जब्त ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना आप। भाभी चले क्यों ना इनके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचते। और हाँ ये मत समझिएगा कि इस बार भी आप लोग जीत जाएंगे, वो तो हम लोग बायकॉट कर गए थे लास्ट टाइम। चलो निगार अब हम ऊपर चलते हैं, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, इनका टाकरा शुरू हो गया। तो दुप्पल में आपका कौंसलर लीडर बन गया, लीडर अब ऐसी अंधी नहीं लगी हुई। हाँ और वैसे भी हमारे लीडर से मुकाबला करना है नन्हे मुन्ने बच्चों का खेल नहीं है, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास, बायकॉट कर लो आप लोग, इज्जत इसी में आपकी। चलो तो देख लेते हैं इलेक्शन में दिन ही कितने रह गए हैं, फिर देखते हैं कि किसकी इज्जत बचती है और ये कौन मुंह छुपा कर भागता है। ये भाभी और निगार कहाँ रह गए? ऊपर गई होंगी बैठ कर सुकून से तुम्हारा नया नाम सोचने। अरे निगार कहाँ जाके बैठ गई हो, खाना कौन देगा मुझे? क्या तुम्हारे लीडर तुम्हें खाना खिलाकर नहीं बेचता?
हेलो। अरे वेरी गुड, शाबाश। अच्छा देखो, कल हर चौक पर नन्हे भाई की पैनाफ्लेक्स वाली तस्वीरें लग जाने चाहिए। अरे हाँ हाँ यार, मैं भी तो यही चाह रहा हूं। जब कल शाम को नन्हे भाई रैली के साथ वहां से गुजरे ना, तो उनकी नजरें सीधे अपनी पैनाफ्लेक्स वाली तस्वीरों पर पड़नी चाहिए। अबे यार तू फिकर क्यों कर रहा है, मैं कैश पेमेंट कराऊंगा ना तुझे। पता नहीं कब जान छूटेगी आपकी सियासत से मेरी। सौतन बनकर रह गई आपकी ये सियासत। दिन में सियासत, रात में सियासत, ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। जिंदगी अजाब बनाकर रख दिया आपकी सियासत ने मेरी। अरे तुम कभी नहीं समझोगी इस सियासत को। सियासत है क्या, सियासी शऊर तुम्हें कभी छूकर भी नहीं गुजरा है। आप ही को मुबारक हो आपका ये सियासी शऊर, जिसमें इंसान खुद नुमाई के चक्कर में अपना घर बार ही भूल जाता है। अरे कौन भूला है घर को, रोजाना थक हार कर सीधा घर पर ही तो वापस आता हूँ। छोड़े ना, आप क्यों हलकान होते हैं। आप किस्मत से कौन लड़ सकता है, जो मेरी किस्मत में है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। अरे यार ये तुम हर बात में मलका जज्बात क्यों बन जाते हो, और ये किस्मत कहां से आ गई बीच में। मैंने आपसे कहा ना छोड़े, आपकी समझ में नहीं आएंगी मेरी बातें। बस यही तो मसला है तुम्हारा, जब उलझते हो तो ऐसी उलझते हो कि सुलझाना मुश्किल हो जाता है तुम्हें। खुदा का वास्ता अब तो मुझे सोने दे, सुबह आपकी खिदमत में मुझे जागना भी है। आहा सो जाओ, कोई नहीं उठा रहा तुम्हें, सो आराम से। आए बड़ी सोने के लिए। आहा प्रेम, अबे यार लाइन कट गई थी यार। अरे देख मैं तुझसे ये कह रहा था कि तू परेशान नहीं हो, तू सारा काम कर दे, मैं तेरी कैश पेमेंट करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, तू काम कर पहले, कह दिया ना मैंने। यार मैं कह रहा हूं कल की रैली निकलने दे, फिर देख तू क्या होता है। तू सिर्फ अपना काम कर, मैं हूं ना, मैंने कहा ना तुझे, कहा ना पेमेंट हो जाएगी यार। अबे ये जलसा कामयाब होने दे, फिर देख आगे क्या होता है। अबे गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगी तेरी, गवर्नमेंट जॉब। हाँ चल बेटा काम कर ले, सही मैं तो हुआ ना पैसे बोल दिया। चल ना चल, ठीक है कल मिलते हैं, सही काम कर, सही है। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बातों की अहमियत ही नहीं है कोई आपकी नजर में। जवाब दे भाई। बस यार निगार दुआ करो हाशिम भाई काउंसलर का इलेक्शन जीत जाए किसी तरह। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, भला अगर वो काउंसलर बन भी गए तो आपको क्या मिलने वाला है। कोई पूछेगा भी नहीं आपको काउंसलर बनने के बाद। अभी तुम्हें मेरी सियासी बसीरत और अहमियत का ना अंदाजा नहीं है। अरे बहुत डिमांड है मेरी। अच्छा, और वैसे भी हाशिम भाई इलेक्शन जीतने के बाद सुबह असेंबली में जाने का इरादा रखते हैं, और पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुझे अनाउंस करने वाला है। चले भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपके वजीर आजम हाउस जाने की शुरुआत की। भाई लगे रहे, एक ना एक दिन तो वजीर आजम बन ही जाएंगे आप इस मुल्क के। हाँ हाँ तुम तो उड़ाओ मेरा मजाक, घर की मुर्गी दाल बराबर। मोहतरमा अभी भी मेरी इतनी जान पहचान है कि मैं थाने से किसी को भी आराम से छुड़ा के ला सकता हूँ। अच्छा हाँ वो तो मुझे पता है, अपने बंदों को तो छुड़वा नहीं सके थे आप। अरे वो तो ऐसे चुन नया था, जान पहचान नहीं थी उससे, लेकिन देखो ना उसी ने छोड़ा ना हमारे बंदों को वापस। ऐसे बोल रहे जैसे मुझे कुछ बात पता नहीं है, सब पता है, उन्हीं के घर वालों ने जमानत कराई थी उन लोगों की। हाँ और वो आपके हाशिम भाई, वो तो डर के मारे भाग गए थे कि पकड़े ना जाऊं कहीं। अरे वाह, ऐसे कोई थोड़ी हाथ डाल सकता है हाशिम भाई पे, हाशिम भाई की बहुत जान पहचान है इलाके में। देखें जमाल, मेरी आदत है हंस के बात करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूं। क्यों, अब मैंने क्या दुख दिया तुम्हें। खुदा के लिए हाथ जोड़ते हो आपके आगे, खत्म कर दीजिए अपनी ये सियासी चमचागिरिया। घर को टाइम दे, मुझे टाइम दे, फैमिली है आपकी। दो बार आपको शोकाज मिल चुका है, अल्लाह ना करे आपकी नौकरी चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। वाह ऐसे कैसे नौकरी चली जाएगी, यूनियन का नायब सदर हूं मैं ऑफिस का। फला आपका मर्ज़ा लाइलाज है, अल्लाह ही रहम करे आप पर। तो
मैरिन, मैरिन, अरे कहाँ हो भाई? मैरिन जी, यार मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो यार, जरूरी काम से आना नन्हे भाई के साथ मुझे। कपड़े इस्त्री हो गए हैं, बाथरूम में टंगे। ओहो, तो पहले बताना चाहिए था ना, फालतू में इतना टाइम जाया कर दिया, वहां बैठे नन्हे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बाबा, हो गई मुझसे गलती, बस आइंदा नहीं होगी। आए आपको कपड़े दूं? आए कपड़े दूं, बताना चाहिए था ना पहले, पहले ही देर हो रही है ऊपर से। अरे जल्दी चाय लाओ, जल्दी, देर हो रही है मुझे, जुबैर आने वाला है, जल्दी दो चाय। ऐसे भी क्या जल्दी है? तुम्हें नहीं पता, आज हाशिम भाई के साथ केएमसी के ऑफिस जाना है, मार्केट का दौरा करना है, बहुत टफ शेड्यूल है आज का, और रात को लेट आ जाऊं, फिक्र मत करना। क्या फर्क पड़ता है, जल्दी आओ या देर से आओ। हो गया, हाँ जुबैर बोल। अबे यार तुझे सबर नहीं होता, आ रहा हूं दो मिनट में। क्या किसी ने झंडे उतार दिए हमारे? अबे इसकी ऐसी, अबे तू रुक, आ रहा मैं दो मिनट मारू, रुक तू। इसकी ऐसी की तैसी, कौन है साला ये? अरे चाय का कप हुआ क्या? अजमल भाई, अजमल भाई, क्या हो गया भाई, क्यों चीख रहा है, क्या हुआ? ये आपके बंदों ने ना अच्छा नहीं किया। क्या कर दिया मेरे बंदों ने? हमारे सारे झंडे उतार दिए आपके बंदों ने, पता है आपको? दिमाग तो ठीक है तेरा, हर बात का इल्जाम हमारी पार्टी पर लगा देता है। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे वर्कर्स के पास, जो तुम्हारे सस्ते रंग छोड़ने वाले झंडे उतारते फिर है। अबे यार उनका सबर नहीं होता तुझे, रुक। अगर ये कारस्तानी आपके बंदों की निकली ना, तो जितने पैनाफ्लेक्स रोड पे लगे ना, सब पे कालक मल दूंगा। बहुत भी मत लगाना, मेरे पैनाफ्लेक्स को बता रहा हूँ, वरना इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। देख लेंगे, मैं अभी देख कर आता हूँ कौन है वो। मैं देख जाके, अभी तो झंडे उतार रहे हैं, आगे आगे देख कपड़े कैसे उतारते हैं। जा रहा हूं मैं, मैरिन। जल्दी भाग, मैं तुझसे बोल रहा हूं भाग। तो वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना जमील भाई ले आते नारे लगवाने के लिए। अबे हाँ, खर्चा वर्चा तो देते नहीं, नारे लगवाते हैं बस फ्री में। अबे तूने उस दिन खूब ड्रामा किया था भाई, मिर्गी की बीमारी का। अबे इनके बस की बात नहीं है इलेक्शन जीतना, नोट लगाने पड़ते हैं नोट। वैसे तेरा क्या ख्याल है, कौन बनेगा काउंसलर? देख भाई, पार्टी तो वही जीतेगी जिसके पास नोट होगा और जिसके पीछे किसी सियासी पार्टी का हाथ होगा, वरना तो सारी जमानतें जब्त हो जाएंगी भाई। हाँ यार, तू कह तो ठीक रहा है, वैसे तू वोट देगा किसे? तूने भी तो जमाल भाई से वादा किया हुआ है वोट देने का। वैसे वादा तो तूने भी किया है। मैं क्यों वोट दूं कंगली पार्टी को? जो नोट देगा ना, वोट का हकदार भी वही है। अपने भी यही रोजाना है प्यारे। चला चल निकल, चल चले। आ तो नहीं रहा? नहीं नहीं, बस आ जा। देखो तो जरा इन दोनों भाइयों को, जरा फिकर नहीं है हमारी, पता नहीं क्यों बिहा कर लेकर आए थे ये लोग हमें। हम क्यों फिकर करें इनकी, छोड़े भाभी, हम भी अपने घर चलते हैं। अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी दो दिन में, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा इन्हें, खुद हाथ पांव जोड़कर लेने के लिए आएंगे फिर हमें। 3 साल हो गए मेरी शादी को, मजा ले कहीं ये मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हो। मैं तो तरस गई इनके साथ बाहर जाने के लिए। अरे ये कहाँ लेकर जाएंगे हमें घुमाने के लिए, भेड़ बकरियां समझते हैं हमें, खूंटे से बांध के रखा हुआ है इन्होंने हमें। शुरू शुरू में तो मैं शाम को इनके लिए तैयार होकर इनका इंतजार करती थी कि शाम की चाय साथ में पियेंगे, कहीं पार्क घुमाने लेकर जाएंगे ये मुझे। लेकिन मजाल है, कभी इन्हें इस बात का एहसास भी हुआ हो? पत्थरों से सर टकराने से कोई फायदा नहीं है भाभी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ना पड़ेगा, फिर सुधरेंगे ये लोग। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अब किया भी क्या जा सकता है सिवाय सबर के। बड़ी खतरनाक बीमारी है सियासी चमचागिरी, बस हासिल वसूल कुछ नहीं होता, खुश होते रहते हैं अपनी खुदनुमाई पर ऐसे लोग। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अरे दो इन्हें, आज तो दो टोक बात करके ही रहूंगी मैं, या तो सियासत रहेगी इस घर में या फिर हम लोग। देखें, मैंने आपके सब मसे और मसाइल
बड़े गौर से सुन लिए हैं, इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि ये चारों गलियां को मैंने ऑर्डर दे दिया है और पानी का मसला भी इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। और बिजली के जो मसले मसाइल हैं उनके बारे में आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये कचरे के जो भी ढेर लगे हुए आप सबको नज़र आ रहे हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। हाशिम भाई, कुछ गली के लड़के हैं वो लड़कियों को हमेशा तंग करते हैं, उसके बारे में आपने क्या सोचा? ये खबर मैंने पुलिस तक पहुंचा दी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आपके साथ। हाशिम भाई, हाशिम भाई। और जो लोग बेरोजगार हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें नौकरियां जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाशिम भाई, मेरे साथ एक मसला, 4 साल से मुझे नई टांग की जरूरत है, ये पुरानी टांग चला रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इंशाल्लाह। मैं बहुत सारे अस्पतालों में गया था टांग के लिए, लेकिन वो इतनी महंगी है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं जरूर इस काम के लिए दिलो जान से जद्दोजहद करूंगा और ये मेरा वादा है कि आपको दूसरी टांग नई जरूर मैं लगवाऊंगा। हाशिम भाई जिंदाबाद, हाशिम भाई जिंदाबाद, हाशिम भाई जिंदाबाद, हमारा लीडर कौन? हाशिम भाई, हमारा लीडर कौन? हाशिम भाई। अरे हाशिम भाई, आपने बड़ी फिक्र करी, आपने बोला समझे काम हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, बेफिक्र हो जाए आप, कोई मसला ही नहीं है। अरे कब तक चलेगा आखिर ये सब कुछ? क्या कब तक चलेगा, कहना क्या चाह रही हो तुम? जो आप समझते हुए भी नहीं समझना चाह रहे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, बेकार है, मुझे बस अपनी अम्मी के घर जाना है। अरे तो चली जाओ ना, किसने मना किया तुम्हें अम्मी के घर जाने से? तुम्हारा तो हक है वहां जाना। और भी हक है मेरे तो, अगर आपको याद हो तो। अरे हाँ हाँ, मुझे सब याद है, बस ये इलेक्शन से फारिग होने दो मुझे, फिर मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा और तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा, बस ये अभी मैं तुम्हें कुछ भी टाइम नहीं दे सकता। और हाँ, सुबह ऑटो से चले आना अपनी अम्मी के घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चली जाऊंगी मैं खुद ही। अरे नाराज हो गई क्या? अच्छा है चली जाए, सकूं से तैयारी तो कर सकूंगा इलेक्शन की। जी हाशिम भाई, अरे सॉरी वो गलती से लाइन कट गई थी। हाँ हाँ बेफिक्र रहें, कल की रैली की पूरी तैयारी हो गई है, कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं हूं ना, आपको भरोसा है ना मुझ पर? अरे बस नन्हे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे जब आप मेरी तारीफ करते हैं ना तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे आप कल की रैली की बिल्कुल फिक्र ना करें, कच्ची आबादी से ठीक ठाक लोग जमा कर लिए हैं मैंने। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नन्हे भाई। अरे इतनी रात में कहां जाने की तैयारी है? बस बहुत हो गया, अब मैं यहां नहीं रुक सकती, कल सुबह होते ही मैं अपनी मां के घर पर चली जाऊंगी। क्या हो गया यार तुम्हें, ऐसा ना करो, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी पर मेरे चले जाने से, बल्कि अच्छा ही है ना, अब आप आजादी से खींचेगा अपनी यह सियासत। यार क्या हो गया है तुम्हें, क्यों टेंशन दे रही हो मुझे? पहले इलेक्शन में कम दिन रह गए, और भी काम करने हैं मुझे। किसने रोका है आपको? आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। जी फहीम भाई ठीक है, मैं अभी वहीं जा रहा हूं, आप भी वहां पहुंचे। ओके मैरिन, मैरिन, अरे भाई नाश्ता दे दो, देर हो रही है मुझे। मैरिन, अरे कहाँ चले गए भाई तुम लोग? मैरिन, अब भाई अभी ऊपर होंगी ना? अरे ऊपर होती तो मैं अपना गला फाड़ रहा होता क्या? निगार होगी किशन में। अरे यार निगार भी नहीं है। क्या? निगार भी नहीं है? कहाँ चले गए यार ये लोग? अपनी अम्मी क्या गए होंगे, निगार मुझे रात को कह रही थी अपनी अम्मी क्या जाएगी। वो तो मैरिन भी मुझसे कह रही थी, लेकिन ये कौन सा तरीका है सुबह सुबह अपने घर जाने का, अब हमें नाश्ता कौन देगा? अरे तो
जाती हैं तो चली जाए ना, होटल बहुत है, होटल से नाश्ता कर लेते हैं, चलें। लेकिन यार मैं तो परहेजी खाना खाता हूँ, कहाँ से लाऊंगा परहेजी? एक काम करें, या तो आप भाभी को फोन कर लें या तो ससुराल जाके नाश्ता कर लें। अबे पागल हो गया क्या तू? अब सुबह सुबह ससुराल जाके नाश्ता करूंगा मैं? करता हूँ कुछ। मोहतरमा का नंबर बंद है, अब क्या करूं मैं? चलो आओ, खुद करते हैं कुछ, पकाते हैं कुछ ना कुछ। यार अब पत्ती चीनी पता नहीं कहाँ रखी हुई है, कहाँ है कहाँ नहीं है ये। तू पतीली धो ले भाई। अबे यार पतीली मैं दूंगा, इतनी बड़ी पार्टी का बंदा, आप धो जाके। देख भाई सुबह ही सुबह पार्टी को बीच में नहीं ला, बता रहा हूँ मैं तुझे, नाश्ता करना है ना तो पतीली धो जा। मैं बाहर से कर लूंगा, आप धो लो आपको करना। दिमाग सही है तेरा, छोड़ देगा, चला जा नाश्ता नहीं कर। अच्छा ना लड़कियों रहे हो, पत्ती ढूंढो, पत्ती कहाँ है? कहाँ रखी है यही तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ रखे, पापे रखे हुए यहाँ पर, वो भी नरम पड़े हुए, मुसीबत कर दी सुबह ही सुबह, आप क्या करें? माचिस कहाँ है यार? अब माचिस भी मैं ढूंढू? अरे यार कहाँ फंसा दिया, देख उधर देख, ये लो पत्ती। अबे ये पत्ती है, ये मिर्चे हैं। अब मुझे क्या पता मैं क्या खाना वाना पकाता हूँ क्या भाई? यार इतना पढ़ लिया, पत्ती का नहीं पता ये रही। हाँ तो धो ना तू पतीली, चूल्हा जला। देख यार जुबैर, ये जो कच्ची आबादी है, अगर हम इसके वोट पकड़ लेना तो हमें कोई नहीं हरा सकता, समझा? और हाशिम भाई को काउंसलर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। अरे मगर जमाल भाई, वहां पूरी बिरादरी रहती है और बड़ा एक है इन लोगों में, वहां दाल वाल निकलेगी अपनी। तू अभी से हिम्मत हार गया? अब एक बात बता, उन्होंने अपनी बिरादरी से अभी तक कोई कैंडिडेट खड़ा किया? जमाल भाई कैंडिडेट तो कभी खड़ा नहीं किया इन लोगों ने, मगर जो पार्टी इनको ज्यादा पैसे देना उसी को सपोर्ट करते हैं ये लोग। देख तू रकम की फिक्र ना कर, रकम निकलवाना हाशिम भाई से मेरा काम है, बस उस आबादी के वोट छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी हमारी। ठीक है जमाल भाई, अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ, शाम में चक्कर लगाता हूँ। अबे बैठना कहाँ जा रहा है, यही आराम कर ले, यही नहा ले, और वैसे भी तेरी भाभियां घर पे नहीं है, नाजमन भाई घर पे। अच्छा जब भी तो कहूँ कि घर पे इतना सन्नाटा क्यों है और चाय क्यों नहीं आई अभी तक? बड़ी शिकायत करी तूने चाय की, चाय भी मिल जाएगी लेकिन बनानी तुझे खुद पड़ेगी जाके। या खुद बनानी पड़ेगी? अरे जमाल भाई ये चाय क्या चीज है, मैं तो अब खाना भी खुद ही बना लेता हूँ जब से शादी हुई है। ले भाई जोरों के गुलाम, ये मसला भी हल हो गया। जा तू अभी आराम कर ले, थोड़ा फ्रेश हो जा, जब तक मैं भी अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। चल ठीक है जमाल भाई, जमाल भाई मैं इसको हटवा लो थोड़ा, ताकि ये कि मैं भी अपनी जगह बनाऊँ लेटने का। इलेक्शन को जीतना पड़ेगा कुछ तो करके। यार जमाल भाई मैंने आपको बताया कि उसकी अच्छी आबादी है, बहुत फटीक है, मत हाथ डालो उधर यार, मत डालो। अबे यही तो मैं कह रहा हूँ कि चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि वो लोग क्या डिमांड करते हैं, फिर करेंगे ना हाशिम भाई से बात। अरे जमाल भाई बाहर के आदमी को बोलो घुसने भी नहीं देते अपनी आबादी में, और वहाँ की औरतें बड़ी मर्द मार किस्म की है, बिल्कुल आसर नहीं करती फेटी लगाने में। अबे वो ऐसा कुछ नहीं होता पागल आदमी। जमाल भाई बिल्कुल ऐसा ही है, अगर उन लोगों ने किसी पार्टी से डील बना ली है ना तो वो बिल्कुल भी किसी को घुसने नहीं देंगे और ना मार के भगा देंगे। वो यार जमाल भाई मैं औरतों से पिटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जुबैर तू कितना बड़ा फट्टू इंसान है, तू छोड़ मैं खुद ही बात कर लूंगा उन लोगों से जाके। यार देख लो यार जमाल भाई मेरा मशवरा तो यह है कि आप बिल्कुल भी ना वापस ना जाएं, पर हाशिम भाई ना लंबी रकम खर्च करने के मूड में मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आते, पता है आपको? करते हैं, तेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। मैं कर लेंगे यार, अभी तो सो जाओ पर चल के यार। घर को इनका
अल्लाह आए आए अल्लाह मार दिया आए 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 अल्लाह मार दिया अल्लाह आए 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 भाई क्या हुआ आपको? अरे ना पूछ यार, आज तो अल्लाह ने बचा लिया। आए आपकी हालत किसने की? आए अल्लाह। अरे यार मैं गया था अपनी टीम को लेकर कॉर्नर मीटिंग करने के लिए कच्ची आबादी। अरे यार उन लोगों ने घुसने नहीं दिया। आए मैंने जब हुज्जत की, अरे तो हमला कर दिया उन लोगों ने यार। आए सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए यार। आए तो भाई आप भी भाग जाते वहां से? आपको जरूरत क्या थी वहां रुकने की? अल्लाह अबे कहां से भाग जाता यार, भागने का मौका तो दिया नहीं उन लोगों ने, कैसे भाग जाता मैं। अच्छा भाई आप उठे नहा ले, आप कपड़े बदल ले। चले भाई, मैं दूध में हल्दी मिला के रहता हूँ, लगता है कि आपको अंदरूनी चोटें बहुत आई हैं। यार नाश्ता भी नहीं किया था आज तो मैंने सुबह से। अबे रुक जा यार, अबे अबे रुक भाई, अबे आ गया यार। अरे यार जुबैर सदका देना पड़ेगा, अल्लाह ने जान बचा ली मेरी। जमाल भाई अब इलेक्शन का क्या होगा, क्योंकि अजमल भाई की फेटी का मतलब ये है कि कच्ची आबादी वालों ने सौदा कर लिया किसी तीसरी पार्टी से। लगता तो कुछ ऐसा ही है यार, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही, ये तीसरी पार्टी कौन हो सकती है यार? अरे यार जमाल भाई कोई भी हो, हमें इससे क्या, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन निकल गया अपने हाथ से। पागल है क्या, ऐसे कैसे निकल गया? आज रात करते हैं ना मीटिंग हाशिम भाई के साथ बैठकर, इलेक्शन तो हम जीत के रहेंगे, पूरा जोर लगा दूंगा मैं। अच्छा जमाल भाई मैं नाश्ता करके ना जरा घर जाऊंगा, रात को वापस आता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा चल अभी नाश्ता बनाते हैं भाई के लिए, फिर तू रात में आ जाना वापस। चल यार हाशिम भाई फोन तो उठा लो मेरा। अबे यार हाशिम भाई फोन काट रहे मेरा। हाँ भाई क्या पोजीशन है तुम लोगों की? हमारी तो खैर है, आप बताएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बंदे भाई को आप विड्रॉ करवा लें आप, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, बंदे भाई को एक वोट भी नहीं मिलने वाला। वाह भाई वाह, यानी सारी मेहनत बर्बाद कर दूं मैं अपनी तुम्हारे हाशिम भाई को जितवाने के लिए, खुला मैदान छोड़ दूं उनके लिए? हाँ तो ऐसे आदमी के लिए मेहनत करने का क्या फायदा जिसने आपको पलट के भी नहीं देखा, आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन भी नहीं किया उसने आपको। हाँ तो तुम्हारा लीडर भी तो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा ना, तुम क्यों नहीं छोड़ देते अपने लीडर को? ऐसे कैसे छोड़ दूं, दो दिन रह गए इलेक्शन में और इतनी मेहनत की मैंने हाशिम भाई के लिए, और आप कह रहे हैं कि पिछड़ जाऊं, इम्पॉसिबल। बस जुबैर क्या हुआ, इतना घबरा रहा है क्यों? आ रहा तू? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जमाल भाई, हमारी हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या अरे क्या बात, क्या जल्दी बता मुझे। अब हाशिम भाई ना बैग मार गए। क्या बैग मार गए? मतलब ये कि हाजी साहब से ना हाशिम भाई ने नोट पकड़ ली और उनके हक में दस्तबरदार हो गए यार। अबे क्या कह रहा तू, हाशिम भाई ऐसा कैसा कर सकते हैं यार? यार ऐसा कर नहीं सकते, वो ऐसा कर चुके हैं यार, और नोट पकड़ कर ना वो अपने गांव भी रवाना हो चुके हैं। देखा कैसे तुम लोगों को अकेला छोड़ के तुम्हारे लीडर भाग गया, अरे खतरा भाग गया था वो अपनी जमानत जब्त होने का।
हाँ हाँ फहीम भाई बोलो, क्या क्या कह रहे हो फहीम भाई? अरे नन्हे भाई को किस केस में गिरफ्तार कर लिया? क्या मनीषियात और असला बरामद हुआ उनके घर से? क्या मेरे खुदाया, हेलो यार फोन। शुक्र यार तुमने फोन तो उठाया यार। गलती से उठा लिया, बंद कर दो। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज मैरिन फोन मत बंद करना। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो मैरिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया यार। यार मैंने वाकई तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तो अब मैं क्या करूं? लगता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। तुम्हारी कसम जब से तुम गई हो ना, ना तो ढंग से सो सका हूं, ना पेट भर के खाना खाया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि आपके परेजी खाने ने मजबूर कर दिया है मुझे फोन करने पर। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक मासी रख लें जो आपको परेजी खाना बना कर दे। मेरी क्या जरूरत है आपको? अरे नहीं मेहरिन, मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया यार। प्लीज देखो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। यार अब तो मैंने सियासत को भी लानत भेज दिया यार। क्या अब ये मुआवजा कैसे हो गया? लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। आप सच कह रहे हैं ना? यार तुम्हारी कसम बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तौबा कर लिया मैंने सियासत से। यार तुम सच कहती थी सियासत कुछ नहीं देगी। देखो प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने खुद आया था लेकिन तबीयत ठीक नहीं है मेरी। या अल्लाह खैर क्या हो गया आपको? अब मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? निगार कुछ तो बोलो यार, मानता हूं हो गई गलती, मैं वादा कर रहा हूं ना कि कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिंदगी में पहली मरतबा आप मुझसे सॉरी कर रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। शुक्र है तुम कुछ तो बोली। अच्छा देखो मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारी सौतन को भी तलाक दे दी है। क्या क्या मतलब? सियासत ने दूर किया था ना, एहसास हो गया मुझे, इसलिए मैंने सियासत को दूर कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा जमाल। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, फिर तुम खुद देख लेना कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है खुदा हाफिज़।